नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। असलहा व्यापारी नंदलाल गुप्ता के अंतिम यात्रा में शामिल हुए प्रदेश संयुक्त सचिव शमीम खान। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से, जहां आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद शमीम खान ने असलहा व्यापारी नंदलाल गुप्ता की आत्महत्या पर उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से नंदलाल गुप्ता की हत्या की गई है। घटना से पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी का स्तब्ध है और भय का माहौल है। यह घटना अपने पीछे कई सवाल खड़े करती हैं। बलिया सहित पूरे प्रदेश में सूदखोरों का गिरोह सक्रिय है। इन्होंने बहुत बड़ा जाल बना रखा है। एक बार अगर कोई सीधा साधा आदमी या व्यापारी उसमें फंस जाता है तो पूरी जिंदगी उससे बाहर नहीं निकल पाता और अपना सब कुछ गंवा देता है। बैंकिंग प्रणाली को सुधारने की जरूरत है। अगर कोई बैंक आसानी से किसी को कर्ज दे दे तो उन्हें उनको सूदखोरों से लेने की जरूरत क्या है। हम इस पूरे घटना की CBI जाँच की मांग करते हैं ताकि इसके पीछे जो छुपे हुए बड़े चेहरे हैं वह बेनकाब हो सके। मुख्यमंत्री योगी जी से मांग करते हैं, इस तरह का गिरोह चलाने वाले लोगों पर गैंगस्टर के साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाए कि बाबा सबके साथ न्याय करते हैं। इस अवसर पर पूर्व पूर्वांचल के सचिव कालिका प्रसाद, जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला प्रमुख महासचिव महताब आलम, जिला सचिव फरीद अहमद मुराद, जिला संगठन मंत्री मुदसिर अंसारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। बाइक मूव शून्य शमीम खान, प्रदेश संयुक्त सचिव। बलिया आर्म्स कॉरपोरेशन के प्रोप्राइटर नंदलाल गुप्ता जिस तरह सूदखोरों से तंग आकर खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? सूदखोरों से ये बलिया कितना त्रस्त है या बलियावासी कितने परेशान हैं? मैं मोहम्मद शमीम खान, AIMI पार्टी का प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी। नंदलाल गुप्ता जी एक अच्छे व्यापारी थे, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के आदमी थे। मेरा ये मानना है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी हत्या की गई। आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, बलिया सहित पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी स्तब्ध है। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है कि आखिर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक तरफ से योगी जी कहते हैं कि जो अपराधी हैं उनके साथ जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है, आखिर सूदखोरों का यह गिरोह किस तरीके से यहाँ पर फल फूल रहा है? आखिर इस तरह के जो जाल इनका ट्रैप बिछा हुआ है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर समय रहते नंदलाल जी की मदद की गई होती, उनकी बातों को सुना गया होता, आज निश्चित रूप से हमारे बीच में वो होते और उनको इंसाफ मिला होता। आपको क्या लग रहा है इस मामले में आरोपी कौन कौन है? देखिए, अभी तक सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। हम लोग, हमारी पार्टी ये मांग करती है कि इसकी CBI जांच कराई जाए, इसलिए कि एक बहुत बड़ा रैकेट है और ये केवल घटना आज की नहीं है। तमाम अखबारों में तमाम हम लोग देखते हैं कि ये जो सूदखोरों का गिरोह है, ये छोटे व्यापारी हों चाहे मझले व्यापारी हों, उनको रुपया पैसा दे के उनको अपने जाल में फंसा लेता है और उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने का यह काम करते हैं। हमारी आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से एक गुजारिश भी है कि जो बैंकिंग सिस्टम प्रणाली है, जो लोन देने का सिस्टम है, उसको सरल किया जाए। अगर बैंक समय से और सिस्टम से अगर लोन दे देता तो क्या उनको बड़े ब्याज पे उनको पैसा किसी सूदखोर से लेने की जरूरत पड़ती? तमाम वादे और तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि कहीं जमीन पर कोई काम दिख नहीं रहा है। हमारी मांग करते हैं प्रेस के माध्यम से कि इस प्रकरण की CBI जांच कराई जाए।